बुंडू नगर पंचायत प्रधान सहायक को किया गया कार्यमुक्त। बोर्ड की मासिक बैठक में निर्णय लिया गया। बुंडू नगर पंचायत के प्रधान सहायक श्याम सुंदर हजाम की कार्यशैली संतोषजनक नहीं होने के कारण बोर्ड के निर्णय से प्रधान सहायक को कार्यमुक्त कर दिया गया। उक्त निर्णय नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश उरांव की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की मासिक बैठक में ली गई। नगर अध्यक्ष राजेश उरांव ने बताया कि 28 मार्च 2022 को बुंडू नगर पंचायत के 2 सैरात बस पड़ाव व सब्जी बाजार का बंदोबस्ती किया गया। बंदोबस्ती से पहले नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी ने पत्र के माध्यम से नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को सूचित करने का निर्देश प्रधान सहायक को दिया गया था, परंतु प्रधान सहायक श्याम सुंदर हजाम द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को बंदोबस्ती की पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिस कारण अध्यक्ष उपाध्यक्ष बंदोबस्ती पर उपस्थित नहीं हो पाए थे और बंदोबस्ती बगैर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की उपस्थिति में कर दी गई थी। नगर पंचायत अध्यक्ष के बारे में बताया गया कि बोर्ड की बैठक में ही प्रधान सहायक श्याम सुंदर हजाम को बुंडू नगर पंचायत से कार्यमुक्त कर दिया गया है। हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ दिन पहले बस स्टैंड का जो डाक हुई थी, उसमें हमारे कार्यपालक महोदय के बारे में हमने कुछ बोला कि वो आप सफाई कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे बोर्ड मीटिंग में हुई तो बोर्ड मीटिंग में मालूम चला कि इसमें सारा कमी जो थी वो हमारे बुढ़ापापों के पास थी। बुढ़ापो हम लोग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाए, हमारे काम को बाधित किए और उनको बहुत बार हम लोगों ने हिदायत दिया था कि आप सही रूप से काम करें, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग आज उसको कार्यमुक्त कर दिए हैं और हमारे नगर पंचायत क्षेत्र उसको कार्यमुक्त कर दिया। और वो क्या क्या कमी मिला नगर पंचायत क्षेत्र में देखते हैं उनको, जब हम लोग नगर पंचायत से हमारे कार्यपालक महोदय उनको लेटर देने के लिए डिस्प्यूट करवाते हैं जिनकी जनप्रतिनिधि तक पहुँचा है, लेकिन वो लेटर हम लोग तक नहीं पहुँचा पाए। वो हो सकता है न जाने क्या कारण था जो नहीं पहुँचा हम लोग तक। इससे पहले भी 2 बार ऐसा कर चुके हैं जिसमें उसको इजाजत देकर छोड़ दिया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को देखते हुए उन हमारे कार्य को बहुत ही ज़्यादा बाधित कर रहे थे, इसलिए उनको कार्यमुक्त कर दिया गया है। और हमारे बोर्ड मीटिंग में भी ये भी निर्णय लिया गया है, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हमने बहुत से ऐसे लाभुक होते थे जो हमें प्रधानमंत्री आवास का लाभुक होते थे, जो हमें फोन करके माध्यम से बोलते थे कि हम लोगों से 3,000 रुपये लिया जा रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग में छानबीन किया। छानबीन करने के बाद मालूम चल रहा है कि यहाँ पे पैसा की वही तो नहीं हो रही थी जैसे अब जानकारी मिल रहा है, लेकिन हमको फोन भी आ रहा था। लेकिन हम सभी आम जनताओं से बोलना चाहेंगे, जितने भी प्रधानमंत्री आवास जो लाभुक लिए हैं उन लोग हमसे कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास में 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। अगर कोई पैसा मांगता है तो उसको बाय प्रूफ, बाय फोन, बाय रिकॉर्ड उसको रखिए और हम तक पहुंचाइए। अगर मेरा यहाँ का कोई भी स्टाफ लेता है तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर स्टाफ मेरा पैसा लेता है तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन हम उसको इस ऑफिस से बायकॉट कर देंगे, इस ऑफिस से उसको भी बर्खास्त कर देंगे। हमारे ऑफिस में अगर इस टाइप से होता है तो हम कतई बर्खास्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज बड़ाबाबू को यही कारण है कि हम आज बड़ाबाबू को हमारा कार्यमुक्त कर चुके। तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने आज मंगलवार को कई जगहों पर ट्रांसफार्मर लगवाए। तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा ने आज मंगलवार को कई जगहों पर ट्रांसफार्मर बनाए। उन्होंने कहा कि कई स्थानों से खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत प्राप्त हो रही थी और संबंधित स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगवाने का कार्य जारी है। इसी दौरान तमाड़ प्रखंड के पडरानी में 200 KV का ट्रांसफार्मर लगवाया गया। अन्य जितने भी खराब ट्रांसफार्मर है उसे विधायक ने जल्द से जल्द दुरुस्त कराने की बात कही। सिली प्रखंड में आज मंगलवार को सिली पुलिस ने रेलवे ट्रैक से अज्ञात शव को बरामद किया। सिली मुरी रेलवे खंड कुलसूत के समीप ऑफलाइन पॉल पर संख्या 157/27 के समीप सिली पुलिस ने अज्ञात शव बरामद किया है एवं पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेज दिया गया है। थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि उक्त शव की उम्र लगभग 50 से 55 के बीच की है। स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछताछ कर रही है पुलिस एवं मामले की छानबीन की जा रही है। सिली विधायक सुदेश कुमार महतो ने आज मंगलवार को देवघर त्रिकुट रोपवे हाईवे की उच्च स्तरीय जांच को लेकर मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग की। सिली विधायक सुदेश कुमार महतो ने आज मंगलवार को देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे की हो रही उच्च जांच को लेकर मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि देवघर दुमका मुख्य पथ पर स्थित त्रिकुट पर्वत पर बने रोपवे का तार टूटने की घटना पर पार्टी के पदाधिकारियों ने मृतक के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया तथा इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही सरकार से इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मरने वाले आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। बुंडू स्थानीय विधायक विकास सिंह मुंडा के स्वर्गीय पिता पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में 9वीं गवाही पूरी। पूर्व मंत्री सह तमाड़ विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में NIA के विशेष न्यायाधीश
एमके वर्मा की अदालत में एनआईए की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले में एनआईए के गवाह नंबर 9 की गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से प्रति परीक्षण किया गया। पिछले 2 निर्धारित तारीख में गवाह का प्रति परीक्षण किया जा रहा है जो पूरी हो गई है। अदालत ने अगली तारीख 5 मई निर्धारित की है। मामले में पहली गवाही 24 सितंबर 2018 को प्रस्तुत किया गया था जो 9 जनवरी 2019 को पूरी की गई थी। एनआईए ने 192 गवाहों की सूची अदालत को सौंप रखी है। जानकारी हो, रमेश सिंह मुंडा की हत्या 9 जुलाई 2008 को बुंडू के स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान नक्सली ने गोली मार कर दी थी। इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, नक्सली कुंदन पहान समेत अन्य आरोपी जेल से ट्रायल फेस कर रहे हैं। बुंडू अनुमंडल के सिम्बायोसिस पब्लिक स्कूल में आज मंगलवार को 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए भाजपा बुंडू नगर मंडल सदस्यों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। बुंडू के सेम्बोसिस पब्लिक स्कूल में आज मंगलवार को 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों को उनकी क्लास में जाकर कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। भाजयुमो रांची जिला ग्रामीण बुंडू नगर मंडल स्थित सिम्बायोसिस हाई स्कूल में स्कूल के निदेशक अली अल अराफत, भाजयुमो रांची जिला ग्रामीण अध्यक्ष विवेकानंद, बुंडू नगर मंडल अध्यक्ष अपुल राज, उपाध्यक्ष नीलू चैल और कार्यक्रम सह संयोजक विपुल जी के साथ आज 12 वर्ष के ऊपर के सभी बच्चों को उनके क्लास में जाकर कोरोना टीकाकरण हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही साथ कोरोना टीकाकरण हेतु जागरूकता अभियान भी चलाया गया। अनगढ़ प्रखंड में 3 पंचायत समिति का बदला आरक्षण रोस्टर। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने से अनगढ़ प्रखंड में 3 पंचायत समिति का आरक्षण रोस्टर बदल गया है। ओबीसी के लिए आरक्षित सलहान पंचायत अनारक्षित अन्य लापुंग व चिल्दाग पंचायत अनारक्षित महिला हो गया है। इससे पूर्व पद में दावेदार बढ़ गए हैं। जिला परिषद चुनाव के लिए अनगढ़ पूर्वी अजाजा अन्य, अनगढ़ पश्चिम में अजाजा महिला के आरक्षित किए गए हैं। पंचायत समिति में हेसल 3 अजाजा अन्य, हेसल 4 अजाजा महिला, चतरा अनारक्षित अन्य, बोगोई बेड़ा अनारक्षित अन्य, आनगढ़ा अनारक्षित महिला, सिरका अनारक्षित महिला, गेतलसुध अजाजा महिला, हारातु अनुसूचित जाति अन्य, हेरातु अनुसूचित जाति महिला, नावागढ़ अजाजा महिला, बीसा अजाजा अन्य, कुचू अजाजा अन्य, सुरसू अजाजा अन्य महिला, सत्रह अजाजा अन्य, टाटी 18 अजाजा अन्य, बरवादाग अजीजा गुड्डी डी अजाजा महिला, पैग अजाजा महिला के लिए आरक्षित किया गया। और मांझी में नागवंशी ढोल मेले में उमड़ी भीड़। और मांझी क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव कुकुई चापाबार में नागवंशी ढोल सह रामनवमी मेला का आयोजन किया गया। आसपास क्षेत्र के महावीर मंडल ऑटो ट्रक पर कई आकर्षक झांकी निकालकर मेला पहुंचे एवं अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन किया गया। बच्चों द्वारा सीता हरण व राम बांध का दृश्य प्रदर्शित किया गया। वहीं युवाओं ने ताज होटल के आतंकी हमले पर देश के जवानों को देशभक्ति का प्रदर्शन दिखाया। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष लाल ऋषिनाथ सहदेव ने मेला व झांकी की सराहना की और कहा कि भारत में धर्म का अलग जगह है। मौके पर श्रेष्ठ झांकी प्रदर्शन करने वाले को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार 21, 21 व 1100 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। अनगढ़ा प्रखंड में नारायण घाटी में ट्रक पलटा, चालक की हुई मौत। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के राहे हाके में सुबह 8 बजे करीब नारायण घाटी में एक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से उसमें दबकर ट्रैक्टर चालक 25 साल की त्रिलोचन सिंह मुंडा की मौत हो गई। मृतक त्रिलोचन सिंह मुंडा सीरीडी का रहने वाला था। ट्रैक्टर पेका से राहे हाके की ओर आ रहा था। नारायण घाटी में तीखा मोड़ के पास पहुंचते ही ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। इससे घटनास्थल पर ही चालक त्रिलोचन मुंडा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भाजपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष विनय महतो धीरज व आजसू नेता रंग बहादुर महतो पहुंचे।